अगर आप बहुत ज़्यादा दुबले पतले हैं और आपकी हाइट भी छोटी है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। हाय गाइस, आई एम पूजा एंड वेलकम अगेन ऑन माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स। आज मैं शेयर करने वाली हूँ इसकी 12 टिप्स जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। यस, अगर आप बहुत ज़्यादा दुबले पतले हैं और छोटे भी हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप कितना बॉडी शेमिंग फ़ील करते होंगे। कहीं भी आप जाते होंगे तो बिल्कुल अनकॉन्फिडेंट फ़ील करते होंगे, लोग आपका मजाक बनाते होंगे। तो आज से आपको उन सारी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। यस, अगर आप मेरी ये टिप्स फॉलो करती हैं, उसके बाद अपने ड्रेसेस पहनती हैं, उसके बाद या तो ड्रेसेस कोई ख़रीदती हैं, तो आपकी डेफिनेटली हाइट बहुत सही लगेगी और आप बहुत ज़्यादा दुबली पतली भी नहीं लगेंगे। आप बिंदास होकर कुछ भी पहन सकते हैं, बट कुछ चीज़ें आपको अवॉइड करनी है और कुछ चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है अपनी ड्रेसिंग सेंस में, जिससे आप बहुत ज़्यादा अच्छी लगे, बहुत ज़्यादा गॉर्जियस लगे। तो मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जो था स्किनी गर्ल्स कैसे कपड़े पहने, तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, बहुत सारे लोगों ने पसंद किया था। बट उसमें से बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि मेरी हाइट छोटी है और मैं बहुत ज़्यादा दुबली हूँ, तो मैं कैसे कपड़े पहनूँ। तो आज उसके लिए मैं एक ये वीडियो डाल रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग टिप्स हैं, तो जल्दी से बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से इस वीडियो को देखते हैं। बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेरी फर्स्ट टिप है कि अगर आप इंडियन ड्रेसेस पहन रही हैं, यानी आप सूट पहन रही हैं, तो आपको हमेशा उसमें पैंट कैरी करना है। आपको हैवी सलवार और चूड़ीदार नहीं कैरी करना है। अगर हैवी सलवार कैरी करेंगी तो आपका उसमें थोड़ा सा छोटा लुक आएगा, और अगर आप चूड़ीदार कैरी करती हैं तो उसमें आपके लेग और ज़्यादा स्लिम दिखेंगे, और ज़्यादा पतले दिखेंगे, तो अच्छे नहीं लगेंगे। तो आप हमेशा पैंट पहने, स्ट्रेट पैंट लॉन्ग कुर्ते के साथ, बहुत ज़्यादा स्मार्ट लुक मिलेगा और आपको थोड़ा सा फुलर लुक मिलेगा, थोड़ा सा लंबे लगेंगे और बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। सेकेंड टिप है कि आपको हमेशा अपर पहनना है डार्क कलर का, यानी आप अगर कोई भी टॉप कैरी कर रही हैं या फिर कोई सूट कुर्ता कैरी कर रही हैं तो आपको हमेशा अपर डार्क कलर का पहनना है और बॉटम हमेशा लाइट कलर का पहनना है। आप डेनिम पहन रही हैं, कोई पैंट पहन रही हैं, तो आप हमेशा ध्यान रहे कि वो लाइट कलर की हो और आपका अपर हमेशा डार्क कलर का हो, जिससे आपको थोड़ा सा फुलर लुक मिलेगा, आप उसमें थोड़ा सा लंबे दिखेंगे। तो मेरी थर्ड टिप है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अवॉइड करना है थिक बेल्ट। आप हमेशा थिन बेल्ट ही कैरी करें। बहुत सारे ड्रेसेस में और टॉप में बेल्ट लग के आती है, तो आप जब भी खरीदें तो ध्यान रहे कि उसमें हमेशा थिन बेल्ट लगी हो, थिक बेल्ट ना लगी हो, जिससे आपको थोड़ा सा फुलर लुक भी मिलेगा और थोड़े से लंबे भी दिखेंगे आप। और मेरी फोर्थ टिप है कि आपको अवॉइड करना है मैक्सी ड्रेसेस। अगर आप वेस्टर्न पहनने में कंफर्टेबल हैं तो आप पहन सकती हैं शॉर्ट स्कर्ट, और बहुत अच्छा सा कोई टॉप कैरी कर लीजिए, आप उसमें थोड़ा सा लंबे दिखेंगे और थोड़ा सा हेल्दी भी दिखेंगे। और अगर आप इंडियन पहनती हैं, आपको वेस्टर्न में कंफर्टेबल फील नहीं होता है, तो आप अनारकली कैरी कर सकती हैं। थोड़ा सा एक्सरसाइज करके बहुत ज़्यादा अच्छा लुक अचीव कर सकती हैं, आपको थोड़ा फुलर लुक और लंबा लुक। तो मेरी फिफ्थ टिप है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको हमेशा हाई वेस्ट बॉटम पहनना है। या फिर आप कोई पैंट कैरी कर रही हैं, फिर प्लाजो कैरी कर रही हैं, कोई डेनिम कैरी कर रही हैं, तो आपको हमेशा हाई वेस्ट का ही लेना है, जिससे आपको थोड़ा सा लंबा लुक मिले। अगर आप बहुत ज़्यादा लो वेस्ट ले लेंगी तो आप उसमें और ज़्यादा छोटे लगने लगेंगी, और ज़्यादा पतली लगने लगेंगी, तो आपको हमेशा हाई वेस्ट का बॉटम ही खरीदना है। तो मेरी सिक्स टिप है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा लेने हैं कपड़े जिसमें वर्टिकल लाइन के प्रिंट्स हो, हॉरिजॉन्टल लाइन के प्रिंट्स ना हो, अदरवाइज़ आप उसमें थोड़ा सा ज़्यादा छोटे लग सकते हैं। तो आपको हमेशा मार्केट से जब भी खरीदें उसमें देखें कि हमेशा प्रिंट्स वर्टिकल लाइन में ही हों, कभी भी हॉरिजॉन्टल लाइन में ना हो। आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कि जिस लड़की ने वर्टिकल लाइन का कपड़ा पहना है वो ज़्यादा थोड़ा सा लंबी लग रही है, और जिसने हॉरिजॉन्टल का पहना है वो थोड़ा सा छोटी लग रही है। तो मेरी सेवन्थ टिप है जो कि आपको बहुत ज़्यादा स्मार्ट लुक देगी, बहुत ज़्यादा गॉर्जियस दिखाएगी, तो आप पहन सकते हैं शॉर्ट फ्लेयर्ड ब्लेज़र। तो ये क्या होते हैं आप पिक्चर्स में देख सकते हैं। आप कुछ इस तरीके के ब्लेज़र लेके कैरी करिए वेस्टर्न के साथ, बहुत ज़्यादा स्मार्ट लुक मिलेगा और बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे, थोड़ा सा लंबे लगेंगे और थोड़ा सा फुलर लुक भी आएगा। बट अगर आप इंडियन पहन रही हैं तो आप पहन सकती हैं कोई भी अच्छी सी जैकेट बनवा सकती हैं, या फिर कोई अच्छी सी कोटी बनवा सकती हैं, वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट लुक देगा और थोड़ा सा फुलर लुक भी आपको देगा। तो मेरी एट्थ टिप है जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, तो येस, धोती साड़ी। आजकल आपने सेलिब्रिटीज़ को भी देखा होगा कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ धोती साड़ी कैरी कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लगती है और आपको बहुत ज़्यादा गॉर्जियस दिखाती है। किसी भी पार्टी में आपको अगर हट के कोई कपड़ा पहनना है तो आप धोती साड़ी पहन सकते हैं। आपको बहुत सारे ब्रांड्स में मिल जाएंगे, आपको लिबास वगैरह में मिल जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल भी होती हैं और बहुत ज़्यादा स्मार्ट लुक भी आपको कैरी करने को मिलता है, बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस लगती हैं। तो मेरी 9th टिप है कि आप पहन सकती हैं इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस। येस, नेहा कक्कड़ को आप जानते ही होंगे, उनकी हाइट थोड़ी सी छोटी है, वो हमेशा बहुत स्मार्टली कैरी करती हैं इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस और बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी लगती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं और बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस लगती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि थोड़ा सा लंबे दिखें, थोड़ा सा फुलर लुक आपको मिले, तो आप पहन सकती हैं इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस। तो मेरी 10th टिप है जो कि आपके पैरों को लेके है, तो आप पहन सकते हैं पॉइंटेड सैंडल्स। येस, आप बेलीज़ ले रही हैं, कोई सैंडल ले रही हैं तो आप कोशिश करिए कि पॉइंटेड लें, जिससे आपकी हाइट थोड़ी सी लंबी लगेगी और बहुत ज़्यादा स्मार्ट लुक भी आपको मिलता है। इससे बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस लगते हैं। तो आप पॉइंटेड सैंडल्स या फिर बेलीज़ पहन सकती हैं। और मेरी 11th टिप है कि आपको हमेशा बनवाना है वी नेक की ड्रेसेस। तो अगर आप बुटीक से बनवा रही हैं तो उनसे बोलिए कि वी नेक का बनाएं, या फिर मार्केट से भी कोई रेडीमेड कपड़ा ले रही हैं, टॉप ले रही हैं, ड्रेसेस ले रही हैं, तो उसमें हमेशा ध्यान रहे कि वी नेक का हो, राउंड नेक का ना हो, अदरवाइज़ थोड़ा सा वो आपको छोटा दिखा सकता है। बट वी नेक क्या करता है, आपकी नेक को थोड़ा सा हाईलाइट करता है, थोड़ा सा लंबा दिखाता है और आप भी थोड़ा सा उसमें लंबे दिखते हैं। टिप नंबर 12 है कि आपको हमेशा पहनना है डिफरेंट कलर का अपर और बॉटम। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेम कलर का पहन लेंगी तो आप थोड़ा ज़्यादा छोटी लग सकती हैं। अगर आप छोटी हैं तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आप इंडियन पहन रही है या फिर वेस्टर्न पहन रही है, आपका अपर दूसरे कलर का हो और बॉटम दूसरे कलर का हो। और इस बहुत ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर आपका अपर डार्क कलर का हो और बॉटम लाइट कलर का हो, तो आपका बेस्ट लुक अचीव हो जाएगा और आप बहुत ज़्यादा गॉर्जियस भी उसमें लगेंगी। तो ये थी मेरी सारी टिप्स। आई होप आप सबको पसंद आई हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। और आगे से और भी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में बनी रहिए। और थैंक यू सो मच कि आपने मेरे चैनल को इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया। आगे भी ऐसे ही सपोर्ट देते रहिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।